आईपीएल 2024 की नीलामी में अब बस कुछ दिनों का वक्त बाकी है, जहां पर चार दिनों के बाद हम सभी लोगों को आईपीएल की नीलामी देखने को मिलने वाली है। लेकिन नीलामी से पहले तीन दिन तक अभी और ट्रेड विंडो हमें चलते हुए नजर आने वाली है। इस साल की ट्रेड विंडो में ऑलरेडी हमें 8 बड़ी ट्रेड कम्प्लीट होते हुए देखने को मिल चुकी है। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इनके साथ ही लखनऊ सुपर जॉयंट्स, राजस्थान रॉयल्स और उनके साथ ही इवन कोलकाता नाइट राइडर्स, गुजरात टाइटंस जैसी टीमें भी ट्रेड विंडो में हमें काफी ज्यादा एक्टिव नजर आई है। इसके साथ ही बाकी की टीमें भी, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद, ये टीमें भी ट्रेड करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रही हैं। ऐसे में काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो भी अभी भी ट्रेड विंडो का हिस्सा बने हुए हैं। मयंक अग्रवाल, इनके साथ ही क्विंटन डीकॉक, युजवेंद्र चहल जैसे प्लेयर्स हमें अभी भी ट्रेड विंडो का पार्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही कुछ ऐसी भी ट्रेड्स हैं जो कि हमें अब ऑलमोस्ट कैंसिल होते हुए नजर आ चुकी हैं। इन कैंसिल होने वाले ट्रेड प्लेयर्स की लिस्ट में दिल्ली कैपिटल्स की साइड से कुलदीप यादव और दिल्ली कैपिटल्स की ही साइड से मिचेल मार्श का नाम देखने को मिलता है, जिनको मुंबई इंडियंस की टीम ने ट्रेड का ऑफर दिया था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने सीधे सीधे इस ट्रेड को करने से मना कर दिया। तो इस तरीके से ओवरऑल तीन ऐसी ट्रेड है जो कि अभी भी प्रोग्रेस में है, दो ट्रेड कैंसिल हो चुकी है और इसके अलावा काफी सारी ऐसी ट्रेड है जिनके बारे में अभी भी टीमें हमें लगातार बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं। आईपीएल की नीलामी हम सभी लोगों को 19 तारीख को देखने को मिलने वाली है, जिसका मतलब है 18 वो तारीख होने वाली है जब ट्रेड प्लेयर्स की आखिरी लिस्ट अनाउंस हो जाएगी। कमेंट करके आप लोग बताना आप लोग कौन कौन से प्लेयर्स को ट्रेड होते हुए देखना चाहते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।